ऐसी रंगों भरी अपनी। वेरी गुड क्लैपिंग। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो मन के, तुम ही बताओ तुमसे मिलके जानू दिल को ही क्यों ना हारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। बहुत बहुत शानदार, एकदम प्रोफेशनल सिंगर लग रहा था। हैट्स ऑफ। और इसने दो तीन क्वेश्चंस पुट अप करे इस पूरे सॉन्ग्स में। एक तो इसने बोला कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, पूरे 38 चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ मैं, ठीक है। दूसरा इसने बोला था कि शायद इस जन्म में मुलाकात हो या ना, रोज मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी रोज। और इसने जो तुम बिन का गाना गाया वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। बहुत मजे आ गए गाने सुनकर, बहुत बढ़िया। ये गाना एक शिष्य का एक गुरु के प्रति जो भावना है उसको दर्शाता है, ठीक। तो मैम अगर कोई दुष्टता हो तो मुझे माफी दीजिएगा। गाना कुछ इस प्रकार से। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरु माँ मैं क्या करूं। आपसे मिलने की इच्छा तीव्र थी मुझ में गुरु, लॉकडाउन मैंने आपकी वीडियो सब देखी, और तय कर लिया कि कोटा में आके पढूं। आप मैम विश्वास नहीं करेंगी, मैं मतलब उस समय इतना डिवोटेड हो गया था कि मतलब मैं सिर्फ बाहर ही पढ़ता था, और मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, सब नहीं। मतलब यहाँ कोटा आने का मेन पर्पस था कि मैम पहले तो आपसे मिलना, फिर बायो पढ़ना, फिर बाकी नहीं है तो अपने आप ही चली जाएगी। फिर भी नहीं, मेरे लिए एक पोयम लिखी है। मैं तो कुप हो उठी जीवन से, ना बची कोई मुराद थी। मैं तो कुप हो उठी जीवन से, ना बची कोई मुराद थी। अपने परबाज को दबाए हुई मेरी हुनर हो चुकी वीरान थी। आगे बढ़ने की बजाय अपने माजी को कोसती रही, थी जो बनी बनाई रिवायतें उसे ही ढोती रही। महरूम हो उठे अपने मंजिल से, ना बचे कोई अल्फाज थे। महरूम हो उठे अपने मंजिल से, ना बचे कोई अल्फाज थे। मेरे मुस्तकबीर ही ना जाने क्यों मुझसे नाराज थे। मसलसल कोशिश के बावजूद ना मसला कोई हल हुआ। इसे इनायत कहूँ या कुदरत, इत्तेफाक से जीवन में आपका इस्तकबाल हुआ। मेरे मुरझाए ताबीर में आपकी नूर की रोशनी पड़ी। मेरे मुरझाए ताबीर में आपकी नूर की रोशनी पड़ी। मेरे हर जर्रा में आपकी शिद्दत की तिस्नगी जगी। मेरे पर ही हमसे बेरुखी करने लगे हैं। पाने को मंजिल अब राफ्ता राफ्ता वो चलने लगे हैं। आपकी सोहबत में मेरी कमजोरी ही ताकत बनने लगी है। तजुर्बों से आपकी मेरी जिंदगी संभलने लगी है। भले कश्ती पुरानी हो मगर दरिया बदलने लगा है। मेरे हुनर का शायद अब जरिया बदलने लगा है। बहुत बहुत डीप लिखी है, बहुत हार्ट टचिंग। मजे आ गए। सीख तो जीवन की वही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदलने लगा है। जिस जोखिम से डरी हुई थी वही रूह से जुड़ गई। मंजिल की तलब यूं जगी कि हसरतें मुझ में नूर सी बन गई। कल तक जिस किरदार में थी आज उसका अंत हुआ। आपके छाया में मेरे गर्दिश जीवन के बंजर आभा का पतन हुआ।
अब मैं बेखौफ आगे बढ़ने लगी हूँ, अब मैं बेखौफ आगे बढ़ने लगी हूँ। पढ़ाई के साथ जीवन के सात्विक मर्म को समझ आपके मार्गदर्शन में निखरने लगी हूँ, आपके मार्गदर्शन में निखरने लगी हूँ। अब कोशिश यही है कि आपकी छाया में रहकर आपका नाम रोशन करूँ। हे ख्वाब जो मन में दबी कही, जल्द ही उसे जीवंत करूँ, जल्द ही उसे जीवंत करूँ। धन्यवाद। मुझे पता नहीं तुम में से कितनों ने सुना और कितनों को ये समझ आया, पर इसने मुझे वो समय की याद दिला दी जब मैं भी बहुत घुमी हुई थी, और उस समय पर जब मुझे मेरे गुरु महाराज मिले और मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सोलमेट मेरे हस्बैंड मिले, और उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन आया। थैंक यू सुरभि, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। मैम का समझाया सुहाना लगता है, मैम का समझाया सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। मैम का समझाया सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं टॉपिक, पल भर में कैसे बदलते हैं टॉपिक, अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इतना स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए, और पंकज का भी आज बर्थडे है। ये चलो।